अवस्थी जी, ये राजनीति का स्तर क्या हो गया है कि हम भगवानों की तुलना करने लग जाएंगे क्या बार बार? प्राची जी, अभी राकेश सिन्हा जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ समूची की समूची जो व्यवस्था है वो सामने रख दी। इस उनकी किसी भी बात का कोई जवाब दानिश कुरैशी के पास नहीं था, एक बात का भी जवाब नहीं था दानिश कुरैशी के पास। आप बातों का जवाब दीजिए ना, आप तथ्यों का जवाब दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, दानिश साहब आप कहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं, वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो बयान देते हैं उनके बारे में, वो तो आपके लिए धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, वो तो आपके लिए। आपकी पूरी पार्टी ही मुसलमानों के इकट्ठा हो जाने की बात करती है, वो सेकुलर है इस देश में, वो संविधान प्रदत्त है। दानिश जी, आप जिस दिन चाहें उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर के भाषणों को लेकर के, उनकी संविधान सभा में कही हुई बातों को लेकर के आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन बहस करने को तैयार हूं मैं आपसे। मैं आपको बता सकता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था। राकेश सिन्हा जी की बात का जवाब दिया आपने कि यह अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्या होता है। इस देश में अगर सबको राशन मिल रहा है, इस देश में अगर सबको समान रूप से, ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर घर मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, सबको आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। आपने राकेश सिन्हा जी की एक बात का भी जवाब दिया कि वहां पर कहाँ अल्पसंख्यक और कहाँ बहुसंख्यक। क्यों आप कहते हैं कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, और ऊपर से हिंदू देवी देवताओं का अपमान आपके नेताओं द्वारा लगातार। आपके सुप्रीम कहें कि योगी चला जाएगा मठ में और वो मोदी चला जाएगा हिमालय पर, पहाड़ पर, तब आपको कौन बचाएगा? ये आपकी धर्मनिरपेक्षता, ये देश स्वीकार करने वाला नहीं है। ठीक, आप फिर से विचार कीजिए अवस्थी जी। लेकिन मैं वो समझना चाह रही हूँ आपसे जो शिल्पी जी अभी कह रही थी कि कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता अपने नेता को किस रूप में देख रहे हैं और किस रूप से उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तो डिफाइन नहीं किया जा सकता। कार्यकर्ता हैं, सलमान खुर्शीद की निजी राय है कि वो तुलना कर रहे हैं भगवान राम से राहुल गांधी की, उनके व्यवहार, उनके आचरण को लेकर। मुझसे सवाल है ना? जी 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 अवस्थी जी, क्या ये जायज है? हाँ, मैं शिल्पी जी की बात का, इस बात का जवाब देता हूँ। कार्यकर्ता इंडिया इज इंदिरा नहीं कह सकते, भारत वर्ष को इंदिरा नहीं कह सकते। वो कार्यकर्ता कहें कुछ भी कह लें, भगवान राम से तुलना नहीं कर सकते। वो जिससे तुलना और करना चाहे करें। और जहां तक पदयात्रा की बात है, विनोबा भावे हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, चंद्रशेखर हो, इससे बहुत बड़ी 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 यात्राएं की हैं, इसलिए यात्रा करें, वो यात्रा ही करते रहें, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बीच में ब्रेक भी ना लें क्रिसमस और नए साल पर, ये भी उनसे अपेक्षा है। वो जो मर्जी चाहे करें, लेकिन बात यह है कि इंदिरा इज इंडिया कहने पर इस देश का नागरिक, इस देश का सामान्य व्यक्ति स्वीकार नहीं करने वाला। राहुल गांधी टी शर्ट उतार करके बड़ी लंबी तेज गति से चलते हैं, इसलिए भगवान राम के समान हो गए, ये इस देश का व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा ये। बल्कि स्पष्ट सी बात है, इनको समझ में आ रही है, इसलिए कह रही है कि ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, इससे ज्यादा ये कुछ कह नहीं पा रही। लेकिन इस बात का तो जवाब देना होगा कि आप 3000 किलोमीटर की अगर यात्रा कर लेंगे, आप देश जोड़ने की बात करेंगे, तो सीधा सीधा उनकी तुलना भगवान राम से कर देंगे। मेरा सवाल ये है कि आप सेंटिमेंट्स को कब तक हर्ट करिएगा? एक वर्ग के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं कि नहीं होते हैं जब इस तरीके की बयानबाजी होती है? नहीं, इसमें मैंने आपको पहले भी कहा है कि सभी कार्यकर्ता करते हैं। मोदी जी के बहुत पोस्टर आ चुके हैं, श्री कृष्ण के उसमें आ चुके हैं, भगवान श्री राम के उसमें आ चुके हैं। इनके इनके पार्टी के खुद लोग, इनके पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं प्राची जी, मैं इनको समझा दूं, आरएसएस और बीजेपी और ये मोदी के भक्त तो नफरत फैलाते हैं, वो क्यों उनका उदाहरण दे रही हैं आप? उन नफरत फैलाने वालों का उदाहरण क्यों दे रही हैं आप? मैं कार्यकर्ताओं का और नेताओं का कर रही हूं, नेताओं का उनकी भावनाएं हैं, नफरत फैलाने वालों की भावनाएं हैं। आप इस बात को राजनीति नहीं, आप श्री राम का रूप नहीं है, दुकान चला रहे हैं, भगवान है, भाजपा कौन सा भगवान राम का, कौन सा राम राज्य का सिद्धांत मान रही है? 1000 से ऊपर के साल बॉर्डर पे मर जाते हैं,
शिल्पी जी एक बात क्लियर करिए, शिल्पी जी सुनिए, भाजपा क्या कर रही है, भाजपा के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, इसका जवाब राकेश सिन्हा जी देंगे, ये आप थोड़ी ना देंगी, आप तो कांग्रेस का जवाब मुझे देंगी, यही तो दिक्कत है। मैं कांग्रेस का सवाल पूछूंगी तो आप बीजेपी की चीजें मुझे गिनाने लगेंगी। आप मुझे बताइए, किसी एक इंसान का, किसी शख्स की तुलना भगवान से कर देना, श्री राम से कर देना, क्या जायज है आपकी नजर में? ये उनकी निजी भावनाएं हैं और उनको पूरा हक है ऐसा तो कहने इसी का। तो कहा जा रहा है, इसीलिए तो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि चाटुकारिता नहीं तो और क्या है? बिल्कुल कह रहे हैं। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्राची जी, कण कण में भगवान है, मैं आपको भी कह चुकी हूँ, आपके अंदर भी है, कोई नहीं रोक सकता। और आप ये खुद बताइए, जब सुब्रमण्यम स्वामी जी लिखते हैं, रावण लिखते हैं मोदी जी को, उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता? वो रावण लिखते हैं, वो कहते हैं वो मंदिरों पे कब्जा कर रहे हैं, आप राम राज्य का कौन सा काम कर रहे हैं? शिल्पी जी, मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जाता है, क्या उनके नेता उनको कह रहे हैं, इसका जवाब राकेश जी मुझे देंगे। आप मुझे बताइए, मैं क्यों ना मानूं कि आप ये सेंटिमेंट स्क्वाड कर रहे हैं, किसी और धर्म से तो आप तुलना नहीं कर पाते हैं, करके दिखाइए। प्राची जी, उन्होंने जो कहा वो अपना क्लैरिफिकेशन खुद दे चुके हैं, मुझे नहीं लगता इसमें फर्दर पर्टिकुलर चर्चा की जरूरत है। उन्होंने खुद क्लैरिफाई कर दिया कि उनकी खड़ाऊ आ गई हैं और हम भी जो उम्मीद है वो भी आएंगे, और उन्होंने वो बात रखी है, उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। और उनके निजी प्रवक्ता दो बातें नहीं हो सकती शिल्पी जी, या तो आप उनकी बात से इत्तेफाक रखिए या फिर पार्टी को इससे बिल्कुल साइड कर दीजिए। आप ये कह रही हैं कि पार्टी का स्टैंड ये नहीं है, लेकिन आप ये भी कह रही हैं कि ये उनकी राय है और वो अपने नेता को किसी भी रूप में देख सकती हैं। खैर, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।